राधे कृष्णा फ्रेंड्स, क्यूरिया सीखा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर की सब्जी और बहुत ही ढाबे स्टाइल में। तो देखिए, यहाँ पर मेरा 300 ग्राम पनीर है और प्याज को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काटी हूँ। 4 मीडियम साइज के प्याज हैं, 2 टमाटर, 1.5 इंची टुकड़ा है अदरक, 7-8 हरी मिर्च, थोड़ी सी लहसुन 5-6 कली और 1 सूखी मिर्च, अदरक मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बनाएंगे और टमाटर का भी पेस्ट बनाएंगे। ये हम पेस्ट बना के रखेंगे और इसे हम हल्का सा फ्राई करके निकालेंगे। तो ये सब हम करके रखते हैं, तब आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पनीर को हम फ्राई कर लिए हैं और यहाँ पर अदरक मिर्ची लहसुन को एक साथ में पेस्ट बना लिए हैं और टमाटर यहाँ है और यहाँ मैं कुछ करी पत्ती रखी हूँ। आप करी पत्ता ना हो तो तेज पत्ता भी डाल सकते हैं। और हमारे पास 2 आलू थे उबले हुए, तो हमने चाहा कि मिक्स कर देते हैं, तो इसे मैंने फ्राई कर लिया और इसे भी इस पनीर में मिक्स कर दूंगी। आप चाहें तो मिक्स कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो चलिए, सबसे पहले तेल गर्म होने देते हैं कढ़ाई में और उसमें डालेंगे करी पत्ता और मसाला को भूनेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच फोरन, 1 सूखी मिर्च, इसका टेस्ट अच्छा आएगा, सोंधापन लगेगा। और करी पत्ते को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं और इसे देने के बाद थोड़ा सा उड़ती है तो इसे हम धीरे से डालते हैं। आप डालेंगे प्याज को, प्याज में हम सबसे नमक डाल देंगे सब्जी में ज्यादा अच्छी तरह से पंद्रह जल्दी से थोड़ा सा डाल देंगे। प्याज हमारी हल्का सी हल्का सा पकेगी तब हम इसमें डालेंगे अदरक मिर्ची लहसुन का पेस्ट। अब इसमें डालेंगे अदरक मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए कोफ्ता का दाना है, तो मैं इसे भी ग्राइंड करके डालूंगी। अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर लूँगी और इसे हमें कब डालना है और कैसे डालना है ये भी बताऊँगी। तो हमारे वीडियो पर बने रहें, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए इसमें मसाला डालेंगे। अब टमाटर का पेस्ट डालते हैं। अब इसमें नमक हल्दी डालेंगे और मसाला भी डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अपने सब्जी के अनुसार नमक, आपको ग्रेवी अधिक रखना है तो उसके अनुसार नमक डालें। हल्दी पाउडर मिक्स कर लेते हैं। और मसाला में अच्छी तरह से इसे पका लूँगी थोड़ा सा ढक के 1 मिनट तक। मसाला अच्छी तरह से पक गई है, अब देखिए ऑयल छोड़ दिया है मसाला। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाला पाउडर। तो देखिए ये हमारा मसाला भुना हुआ है, ग्राइंड करके रखे हैं। तो ये धनिया पाउडर 2 चम्मच, 1.5 चम्मच जीरा पाउडर, 1 मिर्ची पाउडर अपने अकॉर्डिंग ले। अब इसे मिक्स कर लेते हैं।
इसमें डालेंगे आलू जो फ्राई करके रखे थे। थोड़ी सी पानी ऐड करें ताकि ये मसाला अच्छी तरह से इसमें पक जाए। अब इसमें डालेंगे ये पनीर को ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं ग्राइंड करके रखी हूँ पोस्ता को, तो पोस्ता को फ्रेंड्स अभी हम नहीं डालेंगे, आपको बताएंगे कब डालना है। अभी मसाला भून सारे मिक्स करके और इसमें ग्रेवी के अनुसार पानी डालेंगे और कश्मीरी मिर्च, तब इसे हम बाद में डालेंगे। तो चलिए ग्रेवी के अनुसार इसमें पानी डालते हैं, पानी ऐड करते हैं। मिला लेते हैं, इसमें डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, देखिए एक छोटी बड़ी चम्मच है, छोटी चम्मच में। इस तरह से सब्जी आप पनीर की बनाएंगे तो आपको बहुत ही जल्दी बन जाएगी और बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रही हूँ। और जब इसमें उबाल आएगी तब हम अपने पोस्तों की जो ग्राइंड करके रखी हूँ उसे डालूँगी। तो मैं मिक्सी जार से अच्छी तरह से पोस्तों को निकाल लेती हूँ उसे, और उसमें जो लगा हुआ रहता है तो थोड़ा पानी देके आप धो के उसे रख लें। पनीर की सब्ज़ी देखिए अच्छी तरह से उबल गई है। अब इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच गरम मसाला, इसे मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए अब मैं डालूंगी पोस्ते को दानों को जो ग्राइंड करके रखी थी, इसमें थोड़ा सा पानी भी डाली हूँ मैं, इसे डाल देंगे। डालने के बाद हमें पकाना नहीं है, गैस को बंद कर देना है तुरंत ही। थोड़ा सा मिला लेते हैं उसके बाद गैस बंद करके। अब गैस को बंद कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी रेडी है। और आप पोस्ते को डाल के उसके बाद यदि गैस में पकाएंगे तो पोस्तों की दाना आपकी फटी फटी सी दिखेगी और उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसीलिए पोस्ते के दाने को ग्राइंड करके आप दे के तुरंत ही गैस बंद कर दें, उसे पकाना नहीं है हमें। ऐसे तो पोस्ते की दाना को लोग मिठाई में इसी तरह कच्चा ही खाते हैं, लेकिन हम डाल के थोड़ा सा मिक्स करके गैस बंद कर देना। तो चलिए अब सर्व करके दिखाते हैं हमारी सब्जी कितनी ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।